आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सो पहला स्टेप होता है, अगर आप फ्लाइट तो प्लान कर इतना जल्दी हो सके तो फ्लाइट की टिकट बुक कर लें। और अगर आप पहली बार ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया है तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस आपको एक अमाउंट देनी पड़ेगी, बाद में वो डिसाइड कर लेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे सो नेक्स्ट टाइम आप खुद बुक कीजिए, या फिर पहली बार भी खुद बुक कीजिए और जो जा चुके हैं आप सलाह ले सकते हैं वहाँ की। कि जो ट्रैवल एजेंट होते हैं थोड़ा सा अपना अमाउंट तो इसमें अपने लिए बना लेते हैं वो, और आपको बेकार चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जहाँ उनको कमी से ज़्यादा मिल रहा आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे होटल ले लें या गाड़ी ले लें, कुछ भी जिसमें ज़्यादा कमीशन को मिलेगा वो कर देंगे। और आप उन्हें पैसे पहले दे चुके होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आपको नहीं पता है तो आप सर्च आउट कीजिए। अब सब चीज़ें ऑनलाइन है, आप रेटिंग के अकॉर्डिंग अपने लिए चूज़ कर लें। किसी और को ज़्यादा पैसे देने से बेटर है आप खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें। और जो गए हैं उनसे आप थोड़ा डिस्कस कर लें कि कौन सी जगह देखने लायक है, जो वो बहुत अच्छे सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो होती है, कहीं भी आप जाना चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो होती है, उसको भी बस सर्च कर लें। यस, और जो रिलेटिव गए हैं उनसे बात करें ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे फ्लाइट टिकट बुक करें वो लास्ट मोमेंट बहुत कॉस्टली हो जाती है, तो यू कांट प्लान फ्लाइट एट लास्ट मोमेंट अंटिल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। एंड सेकंड थिंग इज लाइक होटल बुकिंग। होटल बुकिंग में ध्यान रखें गेस्ट की रेटिंग कितनी भी है, और अगर हो सके तो YouTube पे जाकर उस होटल की वीडियोस देख लें जो गेस्टों ने बना के डाली है, उससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। तो ऑलवेज रिलाई ऑन द गेस्ट फोटो, जो मेहमानों ने फोटो शेयर की हो उन पे अच्छे से नज़र डालें, और अपने बेड के हिसाब से आप कोई भी प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं। अब देखिए कि आपको सेंटर में चाहिए या आउट ऑफ द सिटी चाहिए, वो उसका बात का भी ध्यान रखें कि एयरपोर्ट से कितना दूर है, ट्रेन से कितना दूर है, स्टेशन से कितना दूर है वो प्रॉपर्टी। और यस, कि और कई प्रॉपर्टी में ये रूल भी होता है कि आपको थर्ड पर्सन की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे मैरियट में ये रूल है कि वो दो लोगों का लेते हैं, तीसरे की आपको वहाँ जाके कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उनकी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लें उस प्रॉपर्टी की, क्या क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है वहाँ पे। और दो तीन होटल या फिर जो आपको पसंद है, कॉटेज पसंद है वो, जो आपको पसंद, दो तीन ऑप्शन आप रख लें कि अगर ये नहीं मुझे मिल पाता है तो ये हम करेंगे। तो दो तीन ऑप्शन आप रखें और आप पहले करें। पहले करने पे ये होगा कि अमाउंट भी मतलब ज़्यादा आपकी खर्च नहीं होगी, और मन मुताबिक जहाँ रुकना चाहेंगे वहाँ रुक सकते हैं, आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा। तो दो तीन ऑप्शन रखें अपने लिए। और हो सके तो ड्राइवर पैसे फिक्स कर लीजिए, बिकॉज वहाँ जाके ड्राइवर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मिल जाएगा। बट स्टिल अगर पॉसिबल है तो वो भी कर लें, परेशानी से आप बच सकते हैं। और अपनी आइडियली पहले जाकर कहाँ कहाँ किस दिन आपको घूमना है, ऑफकोर्स अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस देख सकते हैं, बट अगर एक आइटनरी हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें जाकर देखनी है तो बहुत बेटर रहेगा। वहाँ पर जाके आप बस होंगे क्या करूँ क्या करूँ, इसमें तीनों दिन निकल जाएंगे। पहले से आप प्लान कर लीजिए, पहले से प्लान करें, फर्स्ट डे ये देखना है, सेकेंड डे ये देखना है, और थर्ड डे ये देखना है। और आपका सब लोग ये बात जानते होंगे कि जितना आपका बजट होता है। और अपनी पैकिंग अच्छे से करें, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना। कई बार हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखें, टेम्परेचर वहाँ का देख लें कि क्या टेम्परेचर चल रहा है वहाँ का, और कंफर्टेबल शूज़ या चप्पल रखें, बिकॉज ट्रिप पे आप हील्स अवॉइड करें, यू कांट वॉक इन दोज हील्स। कंफर्ट वाले कपड़े रखें, उस जगह के हिसाब से कपड़े रखें। जितने कपड़े मतलब आपको लग रहा है जितने कपड़े से मेरा काम चल जाएगा, उसे दो तीन कपड़े और अधिक रखें। नहीं रहेंगे तो बाद धुलवाने के खर्चे के लिए तैयार हो जाए, एक्स्ट्रा खर्चे होंगे आपके। छोटी मोटी चीजों के लिए जैसे वहाँ शैम्पू सर्फ वगैरह भी खरीदना पड़ता है, तो उसमें हजार रुपए कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, एक चीज लेने में हजार रुपए निकल जाते हैं। तो पहले अपना लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या सामान रखना है, कपड़े शाम ध्यान रखें, सुबह शाम क्या यूज करते हैं उसका लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट बनाइए हर चीज का, टॉवल कपड़ा शैम्पू का सामान, मेडिसिन ज्वेलरी कैश सब रखिए, और लास्ट में चेक कर लीजिए कि मैंने क्या क्या सामान रखा है। तो इससे इजी रहेगा, आप परेशान नहीं होंगे, वहाँ पे आपकी सिम काम करेगी या नहीं, भी चेक कर लीजिए। बहुत जगह होता है कि वहाँ पे सिम आपकी नहीं चलती है, तो एक्स्ट्रा कैश या क्रेडिट कार्ड जरूर कैरी करें, डेफिनेटली कैरी करें। तो गाइस, हम जितना सोचते हैं कि इतना खर्च होगा ना, उससे आप अधिक खर्च आता है। और सबसे अच्छा है कि प्लानिंग बना लीजिए कि एक दिन में हमारा इतना यहाँ खर्च होगा, ठीक है, तीन दिन का प्लानिंग बना लीजिए कि इतना दर खर्च करना है। बनाने के बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आप रख के चलिए कि प्लानिंग 1 2 3 जितना भी डे है आपका,
उससे अधिक खर्च हो सकता है, तो जितना 3 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का जो भी है जितना अमाउंट आ रही है उससे थोड़ा सा अधिक आप रख के चलिए। और अपने कुछ ऐसे दोस्तों का नंबर तो होगा ही कि बाई चांस अगर पैसे कम पड़ जाए तो वहाँ से आप फिर ले सकें, एक दो लोग तो वैसे होंगे जो आपके सपोर्ट कर सके, तो ये भी रखिए। और जाने पर चेक कीजिए वहाँ पे आपकी सिम काम करेगी कि नहीं करेगी, तो जो भी आपके साथ में है सबका सिमों को अपना जो भी पुश पे जो भी कराना है सबका कराइए, कि एक दूसरे से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी होता है जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो, जहाँ सिम हमारी नहीं चलती है नॉर्मल, तो नॉर्मली लोगों की थिंकिंग ये होती है कि चलो जा रहे हैं तो एक नंबर काम चलेगा काम चल जाएगा, तो इस पे ना रहे क्योंकि लोगों की सोच यही होती है मोस्टली। कीजिएगा हमने एक बार एक गलती कर चुके हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे, तो सबसे पहले अपना होटल का अपना नाम अपने बैग में हमने रखा था, कार्ड रखा था, तो ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत जरूरी है कि सबकी सिम जो भी है अपना जगह कौन सी थी आप बताना चाहेंगे। कश्मीर गए थे वहाँ पे ऐसा हुआ था और लद्दाख में भी ऐसा होता है, तो अपना सिम सबका जैसे वहाँ पे चले सिम सबका कराइए कि हम एक दूसरे से कनेक्ट घूमते फिरते हैं, तो चाहे आपके दोस्त तैयार हो ना हो सबकी सबके लिए सिम ले, सबसे जरूरी जो खर्च है इस पे करना है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 400-500 में हो जाता है, 500-600 में, तो इस पे कंजूसी कभी ना करें क्योंकि हम बाहर घूमते फिरते हैं तो हम अलग भी हो जाते हैं तो बहुत डेंजर होता है फिर, तो आप सिम का जरूर करवाइए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो दैट्स ऑल गाइस एंड डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।